हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और बस अब आप लोग सभी सिलेक्ट होने वाले हैं। आई एम इंदौर में, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल पर ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आपको सब क्वेश्चन जैसे ही हम अपलोड करते हैं दिखते जाएँ। और लास्ट ईयर का मैं रिजल्ट बता देता हूँ कि जो 2019 ये जिसके सॉल्यूशन कर रहे हैं इसी में, है ना, आउट ऑफ 35 स्टूडेंट्स 9 का हुआ था आईपीएमएट इंदौर में, है ना, और 13 का हुआ था आईपीएमएट रोहतक में। ठीक, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे। ठीक, तो अभी भी अगर आप में से किसी को हमारा कोर्स परचेस करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे पूरी लिंक दी हुई है। तो आईपीएमएट 300 अभी भी अवेलेबल है ना, ये आपके रिविज़न के लिए बेस्ट है। और अगर मैथ्स का पूरा वीडियो कोर्स देखना है तो अभी भी मैं बता देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 140 वीडियोस हैं उसमें, और ऑन एन एवरेज जो लेंथ है वीडियो की वो 40 मिनट्स है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब आप देख के अभी भी कर सकते हो तो आप उसको परचेस कर सकते हो, और लगता है कि अब टाइम नहीं है नहीं कर सकते तो मत करना। लेकिन आईपीएमएट 300 अभी भी आप कर सकते हो, लास्ट ईयर भी इससे काफ़ी हेल्प हुई थी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली 1 and 3 विच आर स्मॉलर देन, कितना ये 30 lakhs। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट का नंबर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, या तो 1 या 3, है ना, कितने पॉसिबल वेज 2। डबल डिजिट के नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 1 1 3 3 1 3 3। ये मैं जानबूझ के आपको आराम से करवा रहा हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट भी समझो। टोटल कितने आ गए, 4 4 को क्या ले सकता हूँ, 2 की पावर 2। या अगर जिनका पीएनसी अच्छा है ना, तो ऐसे भी कर सकते थे, 2 प्लस है यहाँ पे भी दोनों नंबर आ सकते हैं, 1 and 3 यहाँ पे भी दोनों आ सकते, तो 2 into 2 2 की पावर 2। ठीक, समझ में आ गया होगा, है ना। हमारे वीडियो कोर्स में हमने इससे टफ टफ क्वेश्चन लेके रखे हैं, तो जिसने भी वीडियो को ध्यान से देखा हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे वीडियो कोर्स में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हाई लेवल पे अवेलेबल हैं। ठीक, अब देखो सिंगल डिजिट के कितने हैं, 2 की पावर 1। डबल डिजिट में क्या है, 2 की पावर 2। ट्रिपल में कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3। अच्छा, ये कितने डिजिट्स हैं, 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 4 डिजिट के 2 की पावर 4 5 डिजिट के 2 की पावर 5 6 डिजिट के 2 की पावर 6। ठीक, 7 पे अभी रुक जाएंगे हम लोग। ठीक, पहले 6 डिजिट तक का टोटल कर लेते हैं। ठीक, ये सब का एडिशन कर लूँ, 6 डिजिट तक के टोटल इतने नंबर्स हो जाएंगे। जीपी दिख रही है, जीपी का सीधे फॉर्मूला लगा दो, जबरन क्यों मैनुअली ऐड करो, है ना, मैनुअल ऐड करने में आपका जबरन ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ए आर की पावर एन यानी 2 के पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, 2 माइनस 1 तो 2 1 ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 into 63 126। ठीक, तो 120 केस तो ये हो गए जो 6 डिजिट तक के हमने 1 to 6 डिजिट्स कर लिए। अब 7 डिजिट में देखो 30 lakhs से कम चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस पे मैं 3 नहीं ले सकता लेकिन 1 तो ले सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 3 नहीं आ सकता क्योंकि 30 lakhs से फिर ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 1 लिख लो। अब देखो यहाँ पे तो 1 और 3 में इन 6 डिजिट में कुछ भी आ सकता है ना, और 6 डिजिट का हम सॉल्व कर ही चुके हैं, 2 की पावर 6 था, तो टोटल नंबर ऑफ केस यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 to the power 6, जो कि क्या होता है, 64। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 126 प्लस 64, तो 130 प्लस 60 190। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 190, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या हो जाएगा, 190। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी भी डिले नहीं हुआ है, अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसको जल्दी से जल्दी परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।